हेलो फ्रेंड्स, कामायनी की हमारी यात्रा में हम संघर्ष सर्ग पर आज पहुंच चुके हैं और इस सर्ग की आज हम यहां शुरुआत करेंगे। पिछले सर्ग में हमने देखा कि श्रद्धा को एक स्वप्न आता है और उसमें वो देखती है कि मनु ने नगर तो बसा लिया है, किंतु उस नगर पर अब एक और संकट मंडरा रहा है। और जब संकट मंडरा रहा है तो अपनी प्रजा की सहायता करने के बजाय मनु अपने ही भवन में खुद कैद होकर के बैठे हैं और वहां वो ईड़ा के साथ जबरदस्ती करते हैं। उससे कहते हैं कि तू मेरी रानी बन जा, अगर मेरा तुझ पर अधिकार नहीं है तो फिर इस प्रजातंत्र का मैं क्या करूं। और ईड़ा कहती है कि ये तो मैंने कभी नहीं चाहा और ये तुम नई बात आज यहाँ कहाँ से कर रही हो। और वो बहुत ही दुखी होकर के ग्लानी से भर करके वहां से चली जाती है। आगे देखिए, संघर्ष की पहली पंक्ति में कवि कहता है, श्रद्धा का था स्वप्न किंतु वह सत्य बना था, ईड़ा संकुचित उधर प्रजा में क्षोभ घना था। था तो वो श्रद्धा का सपना किंतु वह सत्य हुआ था और ईड़ा जो थी वो बहुत ही गुस्से में भरी हुई और सकुचा भी गई थी। उसे ग्लानी शर्म भी महसूस हो रही थी कि क्यों मनु इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और जो प्रजा थी उसमें बेहद गुस्सा भरा था, प्रजा में क्षोभ घना था। भौतिक विप्लव देख विकल थे घबराए, भौतिक विप्लव जो उनका भौतिक संदर्भ था, the physical reality that they were living in, उसमें विप्लव आ गया था, उसमें बहुत बड़ी कयामत आने को थी और वो देख करके बहुत घबरा गए थे कि धरती आकाश और पानी उनके फिर से दुश्मन बन गए हैं और फिर से प्रलय की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। भौतिक विप्लव देख विकल थे वे घबराए, राज शरण में त्राण प्राप्त करने को आए। और वो राजा के पास आए, राजा की शरण आए ताकि उन्हें त्राण मिल सके। त्राण के मानी होते हैं प्रोटेक्शन, ताकि राजा उनकी सहायता कर सके, उन्हें सुरक्षा दे सके। किंतु मिला अपमान और व्यवहार बुरा था, किंतु वहां तो उनका अपमान हुआ। मनु ने तो कहा कि द्वार बंद कर दीजिए और मेरा कोई लेना देना नहीं है कि इन पर क्या बीत रही है। किंतु हुआ अपमान और व्यवहार बुरा था, मनस्ताप के से सबके भीतर रोष भरा था। और उनको इतना गुस्सा उनके अंदर भर गया था जब उन्हें पता चला कि इस प्रकार से रक्षा तो छोड़ी लेकिन उनका अपमान किया जा रहा है। क्षुब्ध नखते बदन ईड़ा का पीला पीला, ईड़ा का बदन भय के मारे, लज्जा के मारे, रोष के मारे पीला पड़ चुका था। देख रही थी वो अपने आसपास की क्या हो रहा है। उधर प्रकृति की रुकी नहीं थी तांडव लीला, और प्रकृति अपनी तांडव लीला पूरी तरह जारी रखे हुए थी। मनु चिंतित से पड़े शयन पर सोच रहे थे, मनु अपने शयन कक्ष में जाकर के लेट गए थे और सोच रहे थे, क्रोध और शंका के श्वापद नोच रहे थे। एक तरफ वो बहुत क्रोधित थे लेकिन एक तरफ स्वयं भी शंकित थे कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। उनके मन में बहुत उहापोह फिर से चल रही थी। मैं ये प्रजा बनाकर कितना तुष्ट हुआ था, मैं तो इस प्रजा को स्थापित करके सारस्वत नगर को पुनः बसा करके बहुत खुश हो गया था, संतुष्ट हो गया था, किंतु कौन ये कह सकता इन पर रुष्ट हुआ था। और आज मुझे ही इन पर इतना गुस्सा आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ही तो इस समाज की रचना की थी, जितने जब से भरकर इनका चक्र चलाया, अलग अलग थे एक हुई पर इनकी छाया। मैंने इतना जीवट दिखाया, इतना साहस दिखाया, इतना परिश्रम किया और इनको मैंने सबको एकजुट कर दिया ताकि हम मिलकर के एक समाज की रचना कर सकें, उस समाज को हम आगे ले जा सके, प्रगति के मार्ग पर उसे उद्यत कर सके। और यहाँ देखिए, मुझे तो आज इन पर गुस्सा आ रहा है। अब वो अपने ही मन में अपने गुस्से का जो केंद्र है वो खोज रहे हैं। मैं नियमन के लिए बुद्धिबल से प्रयत्न कर इनको कर एकत्र चलाता नियम बनाकर। मेरी बुद्धि जो मुझे मार्ग दिखाती थी मैं उससे अपना भी नियंत्रण करता था और फिर नियम बनाकर प्रजा को भी मैंने उसी नियम पर चलाया। लेकिन चलाया तो मैंने ना, मैं इनका राजा हूं, किंतु स्वयं भी क्या वह सब कुछ मान चलूं मैं। सारा नियम बनाने वाला मैं, प्रजातंत्र बनाने वाला मैं, और इतनी बड़ी प्रलय आने के बाद इस प्रदेश को पुनः बसाने वाला मैं, तो क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे भी ये सारे नियम वैसे ही मानने पड़ेंगे जिस तरह मेरी प्रजा मान रही है। तनिक न मैं स्वच्छंद स्वर्ण सा सदा गलू मैं थोड़ा सा भी स्वच्छंद नहीं हूँ, थोड़ा सा भी मुक्त नहीं हूँ, बस स्वर्ण की तरह हमेशा गलता ही रहूं, ये कोई बात है। तो देखिए, यहाँ आकर के कामायनी मानव जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य यहाँ खोल रही है कि आप ये सोचते हैं कि आपने कोई काम किया, उसमें आपको बहुत सफलता प्राप्त हुई और आप उस सफलता पर पूरा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
हर रोज एक नया इम्तिहान आकर के आपके आगे खड़ा होता है, हर क्षण आपको पुनः पुनः सफल होना पड़ता है। एक सफलता पर आपको पूरा अधिकार नहीं दे दिया जाता कि अब आप मुक्त होकर के जी सकते हैं। आप देखिए, आप में से कुछ लोग क्रिकेट देखते होंगे, कुछ लोग टेनिस देखते होंगे। रोजर फेडरर तभी तक रोजर फेडरर है जब तक वो अगला मैच जीतते हैं। अगर क्रिकेट में इंडिया 2-4 मैच लगातार हार जाती है तो आपको लगता है हमारी टीम को क्या हो गया है। आप ये तो नहीं कहते कि फलाना साल में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो चलिए अब हमेशा के लिए वो टीम मुक्त हो गई। नहीं, इतनी सफलताओं के बाद भी पुनः पुनः उन्हें सफलता प्राप्त करनी होती है अपने उस स्तर को बनाने के लिए, उस स्तर को ऊपर उठाने के लिए। और यहाँ मनु ये सोच रही है कि मैंने तो ये सब कर दिया था तो अब मैं क्या स्वच्छंद नहीं हूँ, क्या मुझे कोई निर्बाध अधिकार प्राप्त नहीं है। जो मेरी है सृष्टि उसी से भीतर हूं मैं, जो मैंने सर्जित किया है, जिसका सृजन मैंने किया है, आज मैं उसी से ही भयभीत होकर के रहूं। क्या अधिकार नहीं कि कभी अविनीत रहूं मैं? क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि कभी मैं भी विनीत होना छोड़ दूं? विनीत के मानी होते हैं हम्बल, जब आप झुक करके सबकी बात सुन करके आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे इतना अधिकार नहीं है कि कभी मैं भी अपना हुक्म ही चला दूं, कि सब कुछ का सृजन मैंने किया है, इतना भी मुझे इस पर अधिकार नहीं है? देखिए, ये समझने के लिए फिर से मैं आपका ध्यान हमारे वर्तमान में हो रही बातों पर ले जाती हूँ। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि स्टीव जॉब्स को एक दिन एप्पल के बोर्ड पर से ही निकाल दिया गया था। और तब उन्होंने भी ये सोचा होगा कि कंपनी मैंने बनाई है, ये सब कुछ मेरा किया धरा है और आज बोर्ड मुझे ही निकाल रहा है। कुछ भी आप कर ले, निर्बाध अधिकार, पूर्ण अधिकार हमें कभी नहीं मिलता। हम हमेशा एक ऐसे संदर्भ में होते हैं जो लोकतांत्रिक होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मर्जी को साथ लेकर के चलना होता है। और मनु भी आज उसी क्षण से गुजर रहे हैं जब उन्हें लगता है कि ये तो मेरा सृजन है, मैं क्यों उससे डरूं? मेरा निर्बाध अधिकार इस पर चलना चाहिए। निर्बाध अधिकार, वो अधिकार जिस पर कोई बंधन ना हो, एब्सोल्यूट कंट्रोल। दिस इज वॉट ही इज वॉन्टिंग एंड दिस इज वॉट द पोएट विल ब्रिंग अस टू सी दैट दिस इज अ रॉन्ग विश। इस सृष्टि में किसी को निर्बाध अधिकार नहीं मिलता, कोई भी सफलता प्राप्त कर ले तो भी नहीं मिलता। एक पुरानी बात यहाँ और आपको बताती हूँ कि जेआरडी टाटा, जिन्होंने हमारी पहली एयरलाइन भारत में आरंभ की, रातों रात उसे पब्लिक डोमेन में ले आए और जेआरडी से कहा कि कल से आप इस एयरलाइन के कर्ता धर्ता नहीं है। और जेआरडी को बड़ी हैरानी हुई कि जो चीज मैंने ही यहाँ जिसको सर्जित किया है, जैसे मनु कह रहे हैं कि सृष्टि मेरी है सृष्टि उसी से भीतर हूं मैं, जिसका सर्जन मैंने किया है, जिसे बनाया ही मैंने है, आज वहीं से मुझे निकाला जा रहा है, वहीं कहा जा रहा है कि मेरे पास निर्बाध अधिकार नहीं है। तो ऐसा क्षण गलत या सही, इसमें हम नहीं जाते कि स्टीव जॉब्स के साथ गलत हुआ या सही, टाटा के साथ गलत हुआ या सही, मनु के साथ गलत हुआ या सही, पर कामायनी ये बता रही है कि कोई भी परिस्थिति में आपको निर्बाध अधिकार कभी नहीं मिलता। जो मेरी सृष्टि उसी से भीत रहूं मैं, क्या अधिकार नहीं कि कभी अविनीत रहूं मैं? कभी मैं भी अपनी इस ह्यूमिलिटी को, इस हम्बल होने को छोड़ देना चाहता हूँ, विनीत नहीं रहना चाहता, अविनीत हो जाना चाहता हूँ। श्रद्धा का अधिकार समर्पण दे न सका मैं, प्रतिपल बढ़ता हुआ भला अब कहाँ रुका मैं। श्रद्धा को पीछे छोड़ाया, जो वो चाहती थी उसे दे नहीं सका, लेकिन आगे बढ़कर के भी मैं कहाँ पहुंचा हूं। ईड़ा नियम परतंत्र चाहती मुझे बनाना, ईड़ा हमेशा मुझे कहती है कि जितनी तुम्हारी प्रजा नियमों का पालन करती है उतना तुम्हें भी करना पड़ेगा। नियम परतंत्र, परतंत्र मुझे ये नियम से मेरे ऊपर तंत्र करना चाह, कह रही है कि नियमों को मुझ पर तंत्र करना चाहिए। परतंत्र जब हम किसी चीज के अधीन होते हैं, स्वतंत्र जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये कह रही है कि नियमों के परतंत्र में ईड़ा मुझे लाना चाहती है, कहती है मुझे भी उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा। निर्बाधित अधिकार उसने एक न माना, कहती है कोई अधिकार निर्बाधित नहीं होता, कोई अधिकार ऐसा नहीं होता जिसकी सीमा नहीं होती, सब अधिकारों की सीमा होती है और तुम्हें भी उन नियमों से बंध करके चलना पड़ेगा जिनसे तुम्हारी प्रजा बंध करके चल रही है। और मनु बहुत हैरान है कि जहां सर्जन मैंने किया है, जो मेरा ही सब किया धरा है, वहां भी मैं पूर्ण रूप से राजा नहीं हूं, मेरा निर्बाध अधिकार नहीं है, ऐसा क्यों है? संघर्ष सर्ग में कामायनी अपने मूल दर्शन का फिर से एक बार विवेचन करेगी, जो कर्म सर्ग में हमने देखा था, यहां पर उसका और खुलासा होगा। तो ये सर्ग आप हमारे साथ जरूर पूरा देखिए। कामायनी की पूरी प्लेलिस्ट को आप हमारे चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो में संघर्ष सर्ग के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्ते।